टीवी चैनल में आपका स्वागत है। मराठा आरक्षण आंदोलन खत्म, सीएम शिंदे के हाथ से जू स्पीकर अनशन तोड़ेंगे मनोज जरांगे पाटिल। महाराष्ट्र में चल रहा मराठा आरक्षण आंदोलन खत्म हो गया है। मनोज जरांगे पाटिल की ओर से शनिवार को विरोध प्रदर्शन समाप्त करने की घोषणा के बाद मराठा आरक्षण कार्यकर्ताओं ने जश्न की मनाया। सरकार ने उनकी मांगे मान ली है। मनोज जरांगे सुबह 8 बजे अपना अनशन तोड़ सकते हैं। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में मनोज जरांगे अपना अनशन तोड़ेंगे। अनशन तोड़ने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मनोज जरांगे ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर सकते हैं। कैबिनेट मंत्री दीपक केसरकर और मंगल प्रभात लोढ़ा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल मनोज जरांगे से देर रात मिलने के लिए पहुंच जाता। मनोज जरांगे की सभी मांगे को लेकर अध्यादेश निकाला गया। अध्यादेश की कॉपी मनोज जरांगे को सौंपी गई। उनकी सभी मांगों पूरी हो गई है। मांगों को लेकर जीआर निकालने की मांग की जाई गई है। मनोज जरांगे ने मांग रही थी कि अंतरावली सहित महाराष्ट्र के सभी मामले जो दर्ज है उसे वापस लिया जाए, उसका सरकारी आदेश का पत्र उन्हें दिखाया जाए। आरक्षण पर फैसला आने पर मराठा समुदाय के बच्चे के लिए शिक्षा फ्री की जाए, इसके साथ ही सरकारी भर्ती में मराठों के लिए रिजर्व कोटा रखा जाए। इसके अलावा जरांगे ने अपने एक बयान में आगे कहा है कि अभिलेख खोजने में हमें भी मदद करनी होगी। अभिलेख मिलने पर सभी संगे संबंधियों के प्रमाण पत्र दिया जाए, सगे संबंधियों को लेकर अध्यादेश निकाला जाए। वहीं सरकार की ओर से मांगे को मान लिए जाने के बाद मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे की प्रक्रिया आगे है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अच्छा काम किया है, मराठा विरोध का अब खत्म हो गया है। हमारा अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है, हम उनका पत्र स्वीकार करेंगे। वो मुख्यमंत्री के साथ से जू स्पीकर अपना अनशन समाप्त करेंगे।